तो देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक। आज शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए 4:30 बजे करीब कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। खास तौर पे देखा जाए तो मौजूदा समय में जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बहुत ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जो बेरोजगार संघ से जुड़े जो युवा हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए राजधानी में नजर भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हो, विधानसभा में भर्तियों का मामला हो, उसकी जांच भी चल रही है, और ऐसे में जो भर्तियां हैं वो प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि 12,000 भर्तियां वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से या किन्हीं अन्य माध्यमों से वो कराएंगे और इसको कैबिनेट की बैठक में लाएंगे। संभावनाएं हैं कि भर्तियों से जुड़ी हुई मसले को कैबिनेट में रखा जाएगा और विभिन्न विभागों के जो भर्तियां जो पेंडिंग है, जिन पे जांच भी चल रही है, इन भर्तियों को दूसरे सेवाओं लोक सेवा यानी कि लोक सेवा के माध्यम से कहीं ना कहीं भर्ती कराने का जो प्रावधान है वो कैबिनेट में रखा जाएगा और उस पर मंजूरी मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से कई विभागों में धांधली की बातें सामने आई, उस पर जांच चल रही है, कई विभागों में जो भर्तियां होनी है उस पर रोक लगी है और कहीं ना कहीं भर्तियां प्रभावित हैं, और मुख्यमंत्री ने ये बात कहा था कि युवा जो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के युवा जो इस बात को लेकर चिंतित हैं और उनको हम परेशान नहीं होने देंगे और उनकी जो भर्तियां हैं उनको हम जल्द से जल्द करवाएंगे, तो यही संभावना है कि भर्ती से जुड़ा हुआ मसला इस कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो राज्य कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कई वेतन विसंगतियों से जुड़ा हुआ मसला है उनका, जिन पे की सरकार फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से राज्य के अंदर कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा चल रहा है, अब अंतिम चरण में, क्योंकि नवंबर के महीने से ठीक पहले अक्टूबर तक जो है चारधाम के जो कपाट हैं वो बंद होने की कगार पे रहते हैं, तो ऐसे में चारधाम यात्रा अंतिम चरण में जो है उसकी कहीं ना कहीं जो कामकाज है उसको लेकर चर्चाएं भी इस कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से भर्ती विधानसभा के अंदर जो भर्ती घोटाले हुए हैं, जो बैकडोर से भर्तियां की गई हैं और जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल पे जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर कैबिनेट पर चर्चाएं हो सकती है। जी ज्ञानेंद्र, देखिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।